हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ अनुपमा। कस वाले एडिट लेके आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से। तो बिना वक्त बर्बाद के आइए वीडियो को चालू करते हैं। तो गाइस, अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अनुपमा को वो साइकोपैथ मेघा ने चाकू मार दिया था, जिसकी वजह से बेचारी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बट जैसे तैसे करके ऊपर वाले की कृपा से उसे सेहत मिल गई। एंड देन उसके बाद वो जाती है यहाँ पे मेघा के घर, और मेघा अपनी बेटी यानी कि प्रिया के रूम पे बैठी होती है भूत की तरह। और जैसे वहाँ पे अनुपमा जाती है, अनुज वगैरह भी उसे पीछे से देखता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग चले जाएंगे उसे बचाने के लिए, अनुज और डीन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अनुपमा को मेघा ये बोलती है, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, तुमने मेरी प्रिया को मुझसे दूर किया। तो यहाँ पे ना अनुपमा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि वो प्रिया नहीं, वो मेरी आदिया है, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी बहुत ही पहले गुजर चुकी है, तुम दोनों का चेहरा मिलो मिल रहा है क्या? तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रही हो, ऐसा ये चीज़ मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ कि एक माँ को कैसा लगता है जब उसका बच्चा खुद से अलग हो जाता है, बट ऐसा तो नहीं ना, तुम जो तकलीफ तुम खुद सह रही हो वो तुम दूसरों को भी दो। सो गाइस, यहाँ पे ये सारी बातें सुन के मेघा बहुत ही ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाती है और वो अनुपमा को पकड़ के रोने लग जाती है। एंड देन उसके बाद उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। सो गाइस, यहाँ पे मेघा का चैप्टर तो बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाने वाला है। अब मुझे लगता है पूरा फोकस जाएगा अनुपमा और अनुज और आदिया के बीच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।